नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बुलंदशहर में रेप पीड़िता ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर। रेप पीड़िता ने परिजनों का दावा, रेप का आरोपी फैसला के लिए बना रहा था दबाव, कल दिलाई थी फैसला न करने पर जान से मारने की धमकी। 4 माह पूर्व नाबालिग किशोरी से हुआ था रेप, गंभीर हालत के रेप पीड़िता को हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। पुलिस का दावा, आरोप है कि जेल में मामले की जाँच की जा रही है कार्यवाही। जांगराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला। पीएसए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। बेटी ने आज आत्महत्या की है, इसका क्या कारण है, क्या घटना हुई थी? इसका कारण यह है साहब कि 3 तारीख को, पिछले महीने की 3 तारीख को मेरी बेटी को कमरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ उठाया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे जान बचा के भागी और घर पहुंची, उसने सारा वृतांत बताया हमें, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करी। अच्छा, फोन पे फिर कमरुद्दीन ने माफी मांग ली कि मैं, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे शादी कर लूंगा, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। उसके बाद दोबारा 16 तारीख को बुलाया रोड पर गांव के बाहर, और वहां पे बोला था कि मैं अकेला हूं, लेकिन वहां ये 3 लोग थे। अब कमरुद्दीन और मोबिन, और जैसा कि लड़की ने हमें बताया साहब, उसी के आधार पे हमने कार्रवाई की, रिपोर्ट भी लिखवाई। 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, और हार के आज मेरी बेटी ने जान दे दी। और आप क्या चाहते हैं साहब? यही है कि दोषी को सजा मिल जाए, जो इसके भागी हैं वो अपने कर्म को भुगते हैं, और क्या ये चाहते हैं? देखिए, थाना अनूप शहर के गांव में एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा आत्महत्या करने का मामला आज जानकारी में आया है। इसमें उल्लेखनीय है कि इस लड़की के द्वारा दिनांक 3/10/20 को एक मुकदमा एक कमरुद्दीन जोशी के गांव का है उसके खिलाफ लिखाया गया था, जिसमें धारा 366 अपहरण करने, छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप थे। मुकदमा पंजीकृत होने के तत्काल बाद ही लड़की का कहना था कि यह मुकदमा परिवार वालों के दबाव में उसने लिखाया है और उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, और वो अपनी एक सहेली के घर से नाराज होकर के चली गई थी, जहां से वो सुबह अपने घर वापस गई। फिर लड़की का अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया गया, जहां लड़की ने इस घटना से पूरी तरह इनकार किया और 164 के उसके बयान के आधार पर उक्त मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग गई। पुनः दिनांक 16/10 की घटना दर्शाते हुए 24/10 को लड़की के द्वारा एक दूसरा मुकदमा फिर उस लड़के कमरुद्दीन और पड़ोसी गांव के अबरार और उस कमरुद्दीन के मामा मुबीन जो छर्रा अलीगढ़ का है, ये 3 के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसमें ये दर्शाया गया कि कमरुद्दीन ने फ़ोन करके मुझे बुलाया सुबह 4 बजे, और जब मैं गई तो मुझे साथ लेकर के तीनों लोग छर्रा अलीगढ़ गए, जहां पर इनके द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया गया और धमका करके ई रिक्शा से वापस भेज दिया गया। इस प्रकरण की जांच के दौरान ये पाया गया कि कमरुद्दीन की लोकेशन तत्समय जब घटना बताई जा रही थी तो फरीदाबाद हरियाणा में थी, और उसके मोबाइल से न तो कोई मैसेज न ही कोई कॉल इस लड़की के मोबाइल पे किया गया था। अबरार की लोकेशन अपने गांव में पाई गई, और मुबीन जो छर्रा अलीगढ़ का था उसकी लोकेशन अलीगढ़ में पाई गई। तो प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे इस FIR में, कहीं से उसकी पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी विवेचक को जिस तत्परता के साथ इस प्रकरण को सॉल्व करना चाहिए था वो नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप विवेचक को आज निलंबित कर दिया गया है। और आज लड़की ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें इन 3 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार माना है। पिता की तहरीर के आधार पर इन 3 के विरुद्ध 306 IPC का अभियोग दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी की शिथिलता के संबंध में अलग से एक जांच पुलिस अधीक्षक अपराध के द्वारा कराई जा रही है।